अच्छा एक बात, मैं कल जब पढ़ी थी मैं तो हैरान ही हो गई। उसमें था जी कि कल जिस तरीके से एक तो इंग्लिश बैट्समैन ने पाकिस्तानी बॉलर्स और हमारी टीम को धोया है, तो उन्होंने कहा ये जो इन्होंने सेंचुरीज बनाई है ना, ये इन्होंने तकरीबन पिछले 12 नहीं बल्कि 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने होए 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 होए, ये तो क्रिकेट बहुत पुरानी है। 4 सेंचुरियां, उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो रन रेट उन्होंने बरकरार रखा 6 से ज्यादा का टिल द एंड। टॉस जीता इंग्लैंड ने, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और क्या खूब वो फैसला किया, क्योंकि वो फैसला करते ही जो है वो रिकॉर्ड कायम करे जा रहे हैं, और जो हमारे बॉलर्स का हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। उनकी क्रिकेट देखिए, उन्होंने ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोर डाल दिया 2 वनडे में, 4 सेंचुरी। वो यार वो खेल कैसे रहे हैं, आप तो कभी T20 में ऐसे नहीं खेलते यार, वो तो T10 बनाया हुआ था उन्होंने। स्टोक्स क्या कर रहा था, मार के बेन स्टोक्स 15 बॉलों पे 34 रन 226 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, एक छक्का मारे और 6 चौके। आज आए रमीज मार रहा है, नहीं आज आए रमीज ना, जब वो गायब हो जाते हैं दिमागे खा रहे भाग जाते हैं, हल्का सोता यूं ही उठ कर आते हैं जी मैं आ गया फलाना ढिमकाना। अब आए बात करें, फेस करें मीडिया को, आए और बताएं कि आपने WTC में पाकिस्तान के ख्वाब को चिकना चूर किया है। जिस बॉलर के दम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम एवं पाकिस्तानी लोग उछल रहे थे, आज उसी पाकिस्तानी बॉलर को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा धोया जैसे लगा कि टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 क्रिकेट मैच खेल रहा हो। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाकर पहले पाकिस्तान गेंदबाजों को उसका औकात दिखा दिया, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास थोड़ी रही सही इज्जत बची हुई थी उसको इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक ही दिन में 506 रन बनाकर उतार दिया। और इस मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एवं पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा रिएक्शन आया कि हम सभी भारतीयों का एक बार फिर से मनोरंजन हो जाएगा। टेस्ट मैच के पहले दिन 500 रन्स कभी नहीं हुआ भाई, ये काम पहले टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ, और इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 506, और सिर्फ 75 ओवर्स में, 75 में 90 ओवर पूरे हो जाते तो 650 हो जाना था यहाँ पे, पूरा अगर 90 ओवर होते तो 650 पक्का था यहाँ पे, जिस रफ्तार से वो खेल रहे थे। टी के बाद तो उन्होंने एक्सीलरेटर पे पांव क्या रखा और वो गियर चेन उतार के फेंक दिए, 6 ओवर में 4-4 चौके लग रहे हैं भाई, 6 चौके लग रहे हैं, 6-6 चौके, 6-6 चौके। T20 में इस तरह नहीं खेलते जिस तरह की आज ओपनिंग टेस्ट में देखने को मिली है, ये तो सब लग रहा था प्योर ODI क्रिकेट है, यहां पे के हाईएस्ट नंबर रोज रिकॉर्ड बना दिया। आपको हाईएस्ट रन बता देता हूँ, इससे पहले जो ऑल टाइम हाईएस्ट है वो 452 था, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे का मैच था, इसके अलावा 450 साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी बना था, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मारा था, 449 बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में भी बना था, और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच में भी एक बार 445 बना, तो ये ऑल टाइम ही 500 बन गया, ये कभी भी नहीं बना भाई, ये आज तक कभी भी नहीं हुआ कि 500 रन किसी दिन बन जाए। दोस्तों ये वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में गलती से पहुंच गया था तो अपना औकात ही भूल गया था, आज कहां गए वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जिसके दम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम एवं पूरे पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए और सुन लीजिए कैसे वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तानी अपने गेंदबाजों के दम पे कूद रहे थे और हम इंडियन को बोल रहे थे कि हम उस तरह के नहीं है जो 10 विकेट से हार जाएं। 137 रन पे भी शेरों ने दबा लिया था सारे इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में आके फौरन, और हम उन बुजदिलों की तरह नहीं है, 170 रन 10 विकेटों से खा जाते हैं और लड़ते हैं हमारी बॉलिंग में ना दम, ऑफ कोर्स नहीं हम हार सकते हैं 10 विकेटों से, एक फाइनल में आए हैं दुनिया के बेस्ट पेसर्स लेके हम 10 विकेटों से हारेंगे, 145 149 148, शुंग शुंग शुंग। थोड़ा सा शर्म कर लो पाकिस्तानियों, एक दो बार अच्छा क्रिकेट क्या खेल लिया तुम पाकिस्तानियों को लगता है कि तुम लोग चैंपियन बन चुके हो, आज कहां गए तुम्हारे दुनिया के वो बेस्ट पेसर जिसे एक ही दिन में टेस्ट क्रिकेट में 506 रन लग गया है, वो पाकिस्तानियों जरा आज भी आओ और उसी जोश और जज्बे के साथ बताओ कि कहां गए तुम्हारे दुनिया के वो बेस्ट पेसर जो सुम सुम करके गेंद निकालते थे। जो मनाजिर हमने टेलीविजन पे देखे जिसको देखने के बाद हम दिल बर्दाश्ता हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, आपने तो अपनी आंखों से ये मनाजर सामने से देखे, हो क्या रहा था कल? बहुत जालिमाना बैटिंग की है, जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग की है
कमाल की बैटिंग की और हमें अब बहुत से सबक सीखने पड़ेंगे। हम सबक सीख नहीं रहे अपनी क्रिकेट से। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है हम उसे फौरन खिलाने की कोशिश करते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को पहले एक क्रिकेट खिलानी चाहिए, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करवाना चाहिए ताकि उनमें थोड़ी सी एबिलिटी उनकी पॉलिश हो। अब आपने 30 साल का एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने अच्छी बॉलिंग की है पिछले 2-3 सीजन में, लेकिन वो कभी बाहर मुल्क नहीं गया। उसको ऐसी पाठा फ्लैट विकेट दे दी बेचारा, वो उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। और इंग्लैंड जिस तरह बैटिंग कर रहा है पिछले 1 साल से, वो इसी तरह बैटिंग करेंगे जालिमाना। और हमारे हेड कोच कह रहे हैं कि वो अपनी खू न बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। और ये जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, पहले दिन 506 रन इंग्लैंड के 4 विकेट के नुकसान पर और 75 ओवर्स का खेल, इसका क्या मतलब है? क्रिकेट के खेल में टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है, लेकिन आपको लगता है कि वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे, तो अभी तो टेस्ट सीरीज शुरू ही नहीं हुई कि इंग्लैंड ने आपको दबोच लिया है बुरी तरीके से। जी आज होगा, अभी वो बेन स्टोक्स वगैरह खड़े हैं क्रीज पे और पता नहीं 15 गेंदों पे 34-35 रन बना लिया। भाई आपने टेस्ट मैच का मजा ही खराब कर दिया। टेस्ट मैच में होता था कि जी स्लो खड़े हैं 4-5 फील्डर्स देयर अराउंड द बैट, टुक 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 करके मतलब 10 ओवर में 12 रन बन रहे हैं, तो वो हमें नजर आता था मैच। ये क्या आपने ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, पहली बात अच्छा नहीं हुआ, और दूसरी बात है कल सकलैन मुश्ताक साहब जो कोच है टीम के, उन्होंने फिर बाद में कल बड़े सवाल उठाए, उन्होंने कहा ये कैसी पिच है। पाकिस्तानियों क्या बात है, शाबाश, जहाँ पे तुम्हारी गेंदबाजों को पिटाई लग जाए, जहाँ तुम्हारी गेंदबाजों को धून दिया जाए, वहाँ की पिच ही खराब हो जाती है। तुम पाकिस्तानियों को एवं तुम्हारे क्रिकेट टीम को एक दो बार इसी तरह का औकात दिखाया जाएगा तब भी लगता है कि तुम पाकिस्तानियों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर अच्छा है तुम पाकिस्तानियों अपनी गलती को छुपाकर पिच की ही गलती बता दो। क्या ये पिच हमारे काबू में नहीं, इसलिए मैं ड्रॉप इन पिच के ऊपर जो है ना वो बहुत होमवर्क अभी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी एक पिच आपके हिसाब से बनेगी और उसको ड्रॉप इन कराएंगे तो फिर अगर आपने स्क्वेयर टर्नर बनना है आपको 100% फिर स्क्वेयर टर्नर हो, ताकि आपकी सिलेक्शन उस हिसाब से हो, ऑपोजिशन को देख के होम एडवांटेज थोड़ा सा हो। सो अभी भी मैं कहता हूं कि हम टेस्ट क्रिकेट के लिए हमारी पिचेस जो हैं उस तरह की उस आप कह लें कि उस क्वालिटी की नहीं है कि आप उसको सामने रख के किसी ऑपोजिशन को एक तरह से पुश कर सकें। एक जेनेरिक सी फील आती है हर पिच के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि हर सेंटर की पिच की एक अपनी पल्स हो, अपनी ट्रेक हो, अपना कैरेक्टर हो। अभी हम आई थिंक उससे थोड़ा दूर है। पाकिस्तान देश यदि किसी भी चीज में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता है तो वो है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट में भी यदि 1 से 2 बार अच्छा क्रिकेट खेल ले तो पूरे पाकिस्तान को एवं पाकिस्तानी मीडिया को लगे लगता है कि पाकिस्तान अब विश्व चैंपियन बन चुका है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान खुद का ऐसा बेइज्जती कर लेता है कि पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं बच पाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने देश का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।